हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो सिंह तो तारक मेहता शो ने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं और इस शो को आए दिन कोई ना कोई अवार्ड मिलता ही रहता है। लेकिन रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन के दौरान जो दिलीप जोशी यानी कि जेठालाल और शो के प्रोड्यूसर आशुतोष कुमार मोदी के साथ हुआ, वो काफी चौंका देने वाला था। जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है तो सभी लोग रेड कार्पेट पर जाते हैं, जहां पर उनसे उनके शो के बारे में या उनके प्रोफेशन के बारे में बात की जाती है। और जब दिलीप जोशी वहां पर पहुंचे तो वहां पर शो के प्रोड्यूसर से सवाल किया गया कि आखिरकार शो के अंदर दयाभाभी की एंट्री कब होगी, जहां पर के आशुतोष कुमार मोदी ने बहुत ही छोटे शब्दों में कह दिया कि बहुत जल्दी होगी। लेकिन उसके बाद फिर से वहां पर सवाल पूछा गया कि आखिरकार शो के अंदर वही दयाभाभी आएंगी या फिर कोई और। तो यहां पर आशुतोष कुमार मोदी ने कहा कि इस बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस समय हम काफी बिजी हैं। जिसके बाद के मीडिया ने कई सारे सवाल और पूछे, जिसके बाद के यहाँ पर जेठालाल यानी दिलीप जोशी कुछ भड़क गए। यहाँ पर दिलीप जोशी ने बोला कि हम यहाँ पर मूड फ्रेश करने के लिए आए हैं और कहाँ आप घुमा फिरा के वही सवाल बार बार रिपीट की जा रहे हैं। जिसके बाद के मीडिया ने उनसे दयाभाभी के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन वही सब देखते हैं कि आखिरकार शो के अंदर दयाभाभी की एंट्री कब तक हो पाती है। वैसे तो आशुतोष कुमार मोदी ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी एंट्री इस शो के अंदर इलेक्शन के बाद ही होगी, लेकिन आखिरकार इस शो के अंदर कोई नई दया आएंगी या फिर वही दया वापसी करेंगी, इस बात का अभी तक पूरी तरीके से कोई खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल कहीं सब बताइए कि आप इस बारे में क्या चाहते हैं। आप भी शो के अंदर वही पुरानी दया को देखना चाहते हैं या फिर किसी और नई एक्ट्रेस को? इस बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे।